नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम करी पत्ते को घना बना सकते हैं, साथ ही किस तरह से बीजों से आसानी से आप नया करी पत्ता बना सकते हैं। जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आसानी से आप करी पत्ता बनाएं, जड़ से अपना ही पौधा उगाना चाहते हैं, तो आपको करी पत्ते का बीज जो है ये आसानी से अपने ही पौधे पर उगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, जब आपके इस पौधे पे फरवरी मंथ में वो आते हैं फूल, तो उसमें से कुछ बीज के लिए आप एक दो बंच रख सकते हैं। देखिए, मैंने एक बंच रखा था, तो जैसे नीम के निम्बोली या नीम का फल होता है उसके जैसा ये फल बनता है। पहले बहुत छोटा छोटा रहता है, फिर बड़ा हो जाता है, और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे पिंक होगा और फिर ब्लैक हो जाएगा। तो जैसे करी पत्ता ये जो पुराना मेरा नया है उसके ऊपर कोई फूल नहीं आया, लेकिन उसके लिए थोड़े पुराने जो पौधे हो जाते हैं या कटिंग से, किसी पुरानी कटिंग से पौधा उगाया जाता है, मैच्योर पौधे की कटिंग से पौधा उगाया जाता है, तो उसमें ये जल्दी आते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल जामुन जैसे रंग के एकदम ये जो हैं तैयार हो चुके हैं। और अब मैं इनको इनसे अलग कर लूँगी, ठीक है। तो इसको ये बनाने के लिए आपको एक दो बंच आप छोड़ दीजिए। तो इनको अब तोड़ने के लिए बिल्कुल सही टाइम है, और इनको मैं अब इससे पेड़ से अलग करके रख लूँगी अपने पास। आप इसको स्टोर भी करके रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा सालों के लिए नहीं, लेकिन एक दो साल के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए, बिल्कुल ये पूरे बीज तैयार हैं, और इस टाइम पे ये उस पोजीशन में है कि एक एक बीज इसका जर्मिनेट हो जाएगा, 100% जर्मिनेशन रेट इसकी रहेगी, बहुत ही हेल्दी ये बीज रहे हैं, ठीक है। एक दो इससे पहले भी काले हो गए थे और वो टूट गए थे, तो मैंने उनको लगा दिया और वो बहुत जल्दी उसमें 10 दिन के अंदर नया पौधा बन भी गया था, तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी वो भी। तो इन बीजों को आपको रखना कैसे, प्रिजर्व कैसे करेंगे, उसके लिए आपको इनको थोड़े दिन के लिए ड्राई होने को रख दे, 10 से 15 दिन के अंदर ये पूरी तरह से सूख जाएंगे। आजकल का जैसा मौसम है, गर्मी है दिल्ली में, तो ये हफ्ते भर में ही सूख जाएंगे। उसको आप फिर रख दीजिए, और अगर साल भर के अंदर ही आप इसको उगाते हैं, जैसे आने वाली बरसात में आप इनको उगा लेते हैं, तो 100% जर्मिनेशन रेट होगा। इनको रखने के लिए आपको फ्रिज में, अगर आप इसको कागज़ के जो रैपर है उसमें लपेट के और फिर आप उसमें रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत गर्मी में या एकदम फ्रीज़र में आपको इन्हें नहीं रखना होता। दूसरे, अगर इनको आप 2-3 साल के लिए रखना चाहते हैं, तो जैसे ये 6-7 बीज हैं, इनमें से इनको अगर आप 2 या 3 साल तक के लिए रखेंगे तो उनका जर्मिनेशन रेट कम हो जाएगा, तो मतलब ये 60% बीज ही इसमें जो है वो जर्मिनेट होंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ब्रांचेज वो नहीं आपको छोड़ने हैं बीज, बहुत सारे, अगर आपके पास एक ही पौधा है तो उसमें सिर्फ आप एक ही बंच रखें, क्योंकि इसकी इससे ग्रोथ इफेक्ट हो जाती है, ठीक है। और अगर आपको बुशी बनाना, आप ये देखिए, अब मैं जहाँ से काटूँगी इसमें से ये बीज ये मैं काट देती हूँ, और जहाँ से मैं इसको काटूँगी वहीं इसमें दोबारा जो है वो 2 नई वो आ जाएंगे, ब्रांच आ जाएंगे। ये देखिए नई ब्रांच बन रही है, जहाँ से मैंने इसके फूल इसमें पूरे भर भर के आए थे, तो जब मैंने इनके फूलों के बंच जहाँ से काटे हैं वहाँ से भी इसमें नए ब्रांच बन गए हैं। तो अगर आप करी पत्ते को हेल्दी, घना और बुशी बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमें इसको पत्ते के लिए उगाते हैं, ठीक है, करी पत्ते को हम फल फूलों के लिए तो नहीं उगाते, पत्ते के लिए उगाते हैं, तो अगर पत्ते कम होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसकी कटिंग जो है वो हमें हर सीज़न में करनी होती है। मैंने इसको फरवरी में काट दिया था, सर्दियों में इसकी ग्रोथ बहुत कम होती है, तो सर्दियों के एंड में आप इसको काट दीजिए, तो फरवरी मार्च में इसमें नए जो ब्रांचेज हैं नई नई वो आनी शुरू हो जाएंगी, और उसी टाइम पे आपके ये फूल बनेंगे। और ये मई में मैंने ये तोड़ लिए थे, मई तक आते आते ये मई के लास्ट में मेरे ये जो बीज हैं ये बिल्कुल पक्के तैयार होने शुरू